फर्स्ट हैंड राइडर सँग राइड गरेर कस्तो फिल भयो? Alright guys, good morning and welcome back to the channel. My name is Mansoor and you're watching Stonehead Rider. So right now we are in Lacho and yahan pe hum kal around 6:30 ko yahan pe pahunche the and we were very tired because Gurudamar se matlab direct Lacho aaye the kal aur Gurudamar mein hum log kafi zyada time spend kiye isliye kafi थका हुआ था। ऊपर से मेरा बाइक तो आपको पता ही है, इट्स नॉट ऑफ रोडिंग बाइक, तो थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे, तो इसीलिए कल ब्लॉग व्लॉग स्टार्ट करने का मूड नहीं था। एंड मेरे साथ है मिस्टर राय व्लॉग्स। हाय गाइस, राय पे सुखांग। हेलो गाइस। एंड जीटी के थ्रॉटलर। ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑल सेट टू गो। टेल बैग वगैरह सब माउंट हो चुका है। बाय द वे, हम तीनों का जो कपड़े है वो एक ही बैग में है, मतलब एक ही बैग में आ जाता है। अभी यहाँ से निकलने वाले हैं जल्दी जल्दी और ब्लूबेरी को थोड़ा चमका रहे हैं बिकॉज यू नो फोटोज में भी अच्छा आना पड़ेगा ना। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम लाचुंग। ऑलराइट, सो टाइम राइट नाउ इज 7:30 एंड मतलब सुबह से निकल ही रहे हम लोग, 5 बजे उठ गए थे बट फिर भी इतना टाइम लग गया निकलते निकलते। न्यू डे, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू रोड, फिर से अपन निकल चुका है अपन के दोस्त लोग के साथ। जितने भी जगह आज मैं घूमने वाला हूँ वो सब मेरे लिए नया होने वाला है, मतलब मैं कभी नहीं गया हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अपन लाचुंग चेक पोस्ट वगैरह सब कुछ क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे हाई अल्टीट्यूड्स में ना बाइक को भगाने का मजा ही कुछ और आता है। और व्यू का तो पूछो ही मत भाई साहब, व्यू तो क्या मतलब नेक्स्ट लेवल व्यू आता है भाई, कहीं पे भी देख लो मस्त व्यू। युमथांग 18 किलोमीटर्स, ज्यादा दूर नहीं है लाचुंग से, तो हम लोग आई थिंक हाफ एन आवर में तो पहुंच ही जाएंगे। 18 किलोमीटर इज नथिंग बाइक्स के लिए, तो ऊपर से अगर ऐसा रोड मिल जाए तो और भी मजा आ जाए बिकॉज मेरे बाइक में ना ऐसे रोड और ऐसे मस्त व्यू, दोनों तरफ जंगल बट कलरफुल जंगल, जैसे कि देख सकते हो मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्रीज है यहाँ पे जंगल में, तो कुछ अलग ही दिखता है नजारा यू नो। मुझे तो सबसे अच्छा ना यहाँ का जो ऐसे छोटे छोटे रोड्स है ना और कर्व्स है ना छोटा छोटा, मतलब काफी मजा आ जाता है यार बाइक को लीन करते हुए चलाने में। मैंने एक बात नोटिस किया यहाँ पे मतलब लाचुंग में, मतलब इतना ऊंचा ऊंचा माउंटेन्स है ना क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आसमान को छू रहा होगा वो माउंटेन। कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग पूछ रहे थे कि आप 4 दोस्त लोग कब जाएंगे राइड पर, क्योंकि कई सारे मेरे भाई लोग को हम लोग का जो बॉन्डिंग है ये 4 हमारे मतलब राइड विद सुखांग जीटी के थ्रॉटलर मिस्टर राय और मेरा जो मतलब बॉन्डिंग है ये उन लोगों को पसंद आता है। तो पिछली बार हम लोगों ने 4 साथ में एक राइड किया था, उसमें मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो उसके बाद जो है और भी भाई लोग मुझे मैसेज वगैरह करते थे कि कब मतलब करेंगे साथ में राइड, तो फाइनली अभी कर रहा हूँ। तो इस बार भी आई आप लोग अच्छे रेस्पॉन्स देंगे और अच्छे प्यार दिखाएंगे। जिंदगी में लेके जाना ही क्या है यार, वही मेमोरीज दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जो भी मेमोरीज हम लोग बनाते हैं वही सब तो लेके जाना होता है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वही मैटर करता है। यहाँ पे पत्थरों का कलर देखो भाई साहब, रेड कलर में है, रेड ऐसा लग रहा है कि ये मतलब पेंट किया गया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है ये नेचुरल है। पता नहीं ऐसे रोज में फिर कब राइड करने को मिलेगा अपन को, अभी मिल रहा है मेरे को, तो यार खुल के जी रहा हूँ यार, मैं खुल के राइड का फील ले रहा हूँ मैं। एंड व्हाट एन अमेजिंग व्यू गाइस, क्या ही बताऊँ, दिल गार्डन गार्डन हो रखा है यार। ये सब देख के पहली बार देख रहा हूँ ना मैं, मतलब I
आई एम 100% श्योर गाइस, कैमरा ये जो व्यू है, ये जो फील है, ये जस्टिस नहीं कर पाएगा। अगर आप खुद आके देखते हो ना तो ही मजा आएगा आपको यहाँ पे। मतलब ये जो रोड का और साइड साइड का जो व्यू है ना, मतलब ऐसे कुछ फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये जो ट्रीज का जो बनावट है ना, और ये जो मतलब रोड है ना, कुछ अलग ही मतलब कॉम्बिनेशन देता है यार। मैं ऐसा व्यू जो है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, और ऐसे रोड्स स्पेशली, इफ यू आर अ ट्रू बाइकर यू शुड कम हियर मैन। मजे लो भाई कॉर्नर्स का, और कॉर्नर्स के साथ साथ व्यू का भी। सो फाइनली युमथांग वैली पे, और का राइड काफ़ी अच्छा था, मज़ा भी आया। मतलब बाइक चलाने में रोड्स आर अमेजिंग मैन। मतलब इतना कह सकता हूँ सिक्किम का और भी काफ़ी सारे जगह है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका जितने भी रोड्स हैं उससे काफ़ी अच्छा है यहाँ का रोड्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा रोड्स, मतलब काफ़ी मज़ा आया भाई बाइक को लेटा लेटा के चलाने में। So we are moving from Yumthang Valley and now we're gonna explore another place that is Zero Point. और वो भी मेरे लिए पहली बार है, तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं सभी का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दैम एज वेल। सब लोग अपने अपने तरीके से क्रिएटिव है, अपनी अपनी मेहनत से बनाते हैं सब लोग व्लॉग, तो वही सीन है। सो लेट्स गो। आपके लाइफ में ना जितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जितना भी टेंशन भरी जिंदगी क्यों ना हो, अगर आपके लाइफ में दोस्त है ना, तो वो लाइफ ना मतलब थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब जीने में दोस्त लोग के साथ, यू नो। सो वी आर अबाउट टू रीच शिव मंदिर, एंड वो जो है यहाँ से 2 किलोमीटर ही है बस। डिस्टेंस जो है बहुत जल्दी कवर हो रहा है, बिकॉज रोड्स आर रियली ऑसम मैन। मतलब छोटे छोटे रोड्स, कर्व्स, तो क्या ही बताऊँ, आई एम इन लव विद द कर्व्स गाइस। क्या ही बताऊँ भाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। Now it's time to remove our cameras, GoPros, because आगे में चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट वगैरह में GoPros are not allowed. तो मिलते हैं कहीं अच्छी सी डेस्टिनेशन पे, अच्छी सी प्लेस पे, तो तब तक के लिए बाय। गाइस सो फाइनली वी हैव मेड इट टू जीरो पॉइंट। मतलब एक्चुअल जीरो पॉइंट में अभी जाने को अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, बट जीरो पॉइंट से हम लोग जस्ट 1 किलोमीटर ही नीचे है। बट मैंने सुनने को आया है कि जीरो पॉइंट से जो व्यू है ऐसा ही मतलब दिखता है लैंडस्केप, तो या काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अपने आप को प्राउड भी फील हो रहा हूँ। आई डोंट थिंक कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा ये व्यू को, बट मैं तो भाई काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आके। पहली बार देखा ऐसा लैंडस्केप, जिंदगी में कभी नहीं दिखा था, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आ गया सच में। सो मेरे व्लॉग में हम चार लोग हैं, मतलब एक साथ आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि हम बिजी रहते हैं अपने अपने व्लॉग्स बनाने में। तो फाइनली मतलब चार लोग एक व्लॉग में, आई होप आप लोग अच्छा लग रहा होगा व्लॉग्स। के भन्नु चाहन्छ केटाहरू, आई जस्ट वान्ट टु से द्याट दिस वाज अ भेरी स्पेसल काइन्ड अफ राइड फर मी, बिकज यस्टरडे वाज माई बर्थडे अल्सो, अन्त एकदमै म स्पेसल फिल पनि भयो होइन, अल बिकज अफ दिस थ्री गाइज, आई फेल्ट अल द रोलर कोस्टर अफ इमोसन्स, एन्ड हुन्छ नि इट वाज भेरी भेरी अमेजिङ। द बेस्ट थिङ अबाउट लाइफ इज इट सुड बी ब्यालेन्स भन्छ नि, सो हिजो चाहिँ त्यही फिल भयो मलाई चाहिँ, सो कम्प्लिटली ब्यालेन्स इन अल एस्पेक्ट होइन, मलाई मजा आयो। भ्यू त ओभरै दामी थियो होइन, भ्यू त एकदमै दामी। पिस्टन राइडरसँग राइड गरेर कस्तो फिल भयो, राइडमा गएको जस्तो फिल भइदिएको छ हो, एकदमै खुसी लाग्यो, रमाइलो होइन। त्यही हो, साथीभाइसँग चाहिँ अब अर्कै मजा आउँदो रहेछ,
मेरो चाहिँ दुईटा खन्नाजी छ है, यता यता हो सामान बोकाइरहेको छु। त्यो हो जिन्दगीमा, अब फेरि फेरि राइडहरू आउँदै गर्छ। अनि राइडर सुपाङले कुन के भन्न आँट्छ? यो जुत्ता हाम्रो जेएस पार्टीको हो के भन्यो केटाहरू? जेएस पार्टीको होइन, हाम्रो सबै हाम्रो हो क्या, हामीले मिलिजुली चलाउनु पर्छ होइन। त्यही हो, अब नेक्स्ट राइड पनि हामी गर्नेछौँ, दामी दामी जग्गाहरू तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गराउँछौँ। अनि हामी पनि अभियसली हामी त यहाँ क्यामेरामा आई थिङ्क 10% 20% मात्रै देखाउँछ, बट एक्चुअल लाइफ चाहिँ अब एक्चुअल मजा चाहिँ रियलमै मजा आउँछ क्या। अब त्यही हो, अब भेटौँ नेक्स्ट भ्लगमा है। एकछिनमा तपाईँ भ्लग एन्ड गर्छु तलतिर पुगेर, त्यति बेलासम्म तपाईँ यो मजा मजाको सिनेमेटिक्स इन्जोय गर्नुहोस् फेरि होइन, किनभने घरिघरि आउँदैन नि त होइन। त्यही हो, एकछिनमा भेटौँ, बाई। गाइस वी आर फाइनली रिटर्निंग एंड हम लोग तुम बोल के जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वहाँ पर मतलब आ चुके हैं, और टाइम राइट नाउ इज आई थिंक 3:30। तो हम लोग मंगल आई थिंक 15-20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। एंड दिस वॉज द लास्ट एपिसोड ऑफ नॉर्थ सिक्किम, एंड आई होप आप लोग अच्छा लगा हो, एंड काफ़ी अच्छा लगा सबसे राइड करके। एंड इन लोगों को भी काफ़ी प्राउड फील रहा है बिकॉज ये लोग मेरे साथ राइड कर रहे थे। हल्का गफ देखो अवस्था, मजाक था थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा राइड था। एंड फिर से अगर फ्यूचर में हुआ तो फिर से राइड करेंगे। तो या अगर वीडियो को अच्छा लगा करेंगे, जरूर राइड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस वीडियो लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड।